हेलो एवरीवन, ये हिंदी में मैं बना रहा हूँ। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो इंग्लिश में थी। ओके, हम सब बोर हो जाते हैं ओट मील खा के रोज़। यू नो गाइस कि हमें एवरी डे हमें ओट्स खाने पड़ते हैं। एंड मेरे क्लाइंट्स भी हैं कुछ, वो मुझे कहते हैं कि ओट्स खा खा के भैया हमारा मन भर गया है, टेल मी समथिंग एल्स कि ओट्स के अलावा हम क्या खा सकते हैं प्री वर्कआउट मील में। सो मैंने सोचा एक व्लॉग बनाता हूँ आप लोगों के लिए। एंड लेट्स सी, आपको ये शायद अच्छा लगे। ट्राई करना ये वाला मील एंड लेट मी नो हाउ इज़ इट। तो ओके, मैं ये ब्राउन राइस ले रहा हूँ दावत के, ब्राउन 100 ग्राम्स ऑफ ब्राउन राइस। और इसको हम ग्राइंड करेंगे, इसका जो हम ग्राइंड करेंगे मिक्सी में। इसको ग्राइंड करने के बाद ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। तो पाउडर फॉर्म में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। इसको हम उबलते हुए पानी में, मैंने पानी उबलता हुआ रखा हुआ है, और उबलते हुए पानी में हम इसको डालेंगे। ठंडे पानी में नहीं डालना है। पानी जब पूरे बॉयल पे आ जाएगा तब हम इसको इसमें डालेंगे। इसके लिए मैं ले रहा हूँ एक स्पैटुला वुडन का, और इसको हमें बार बार स्टर करते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि हम इसमें कोई भी ऑयल नहीं डाल रहे हैं, पानी और राइस ही हैं। तो ये ताकि पैन पे ना लगे हमें इसको स्टर करते रहना है बार बार। और मैं साइड पे अपने एग वाइट्स बना रहा हूँ, 200 ml ऑफ एग वाइट्स एंड 1 whole egg। सो दिस इज़ लाइक अ प्री वर्कआउट मील। तो ये मेरा एक प्री वर्कआउट मील है जो कि मैं नॉर्मली आजकल कंज्यूम कर रहा हूँ। ओट्स से मैं भी बोर हो चुका हूँ, तो इसलिए 200 ml ऑफ एग वाइट्स। मैं ऐसे गिन के एग्स नहीं डालता हूँ, मैं हमेशा ml's में उसको काउंट करता हूँ एंड देन आई ईट। 200 ml एग वाइट्स एंड 1 whole egg। तो ये साइड पे कुक होते रहेंगे। हम अपने जो क्रीम ऑफ राइस हैं हम उसको कुक करते रहेंगे साइड पे। तो देखिए क्या होता है कि हमें ना वैरायटी ऑफ फूड चाहिए होता है। हम समटाइम्स एक ही चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं। आई अंडरस्टैंड दिस। एंड जब मैं वहाँ के यूएस के बॉडी बिल्डर्स को देखता हूँ, दे यूजुअली ईट क्रीम ऑफ राइस। तो देखिए स्टर होने के बाद ऐसी हो गई है। एंड मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे इसको स्टर करते रहना है बार बार। बाहर तो यूएस में तो नॉर्मली पैकेट्स में मिलते हैं क्रीम ऑफ राइस, आप सीधा उसको पानी में डालिए एंड इट्स रेडी। बट यहाँ पे हमें देखो कि ग्राइंड करना पड़ रहा है पहले राइस को, ब्राउन राइस को, एंड देन उसका ऐसे बनाना पड़ रहा है। बट दैट्स ओके, आई एम यूज्ड टू इट नाउ। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं वैसे, 5 से 10 मिनट। और अगर हमें वैसे राइस खाने हो तो हमें कितना ही टाइम लग जाए। अगर हमें 75 grams ऑफ कार्ब्स राइस से चाहिए तो हमें कुकड 300 grams ऑफ राइस चाहिए, तो वो खाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। एंड आई डोंट लाइक ईटिंग नॉर्मल राइस विथ चिकन एट ऑल, यू नो, खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए क्रीम ऑफ राइस केम अप विद दिस आइडिया फॉर यू गाइस कि आप भी इसको ट्राई करें एंड यू गोना लव इट। सो आगे का स्टेप है, इसमें हम सिनेमन डालेंगे। सिनेमन इसलिए क्योंकि इट हेल्प्स इन अ कार्ब एब्जॉर्प्शन। सिनेमन बहुत सारा मैं डाल रहा हूँ, कार्ब एब्जॉर्प्शन। एंड यू नो कार्ब एब्जॉर्प्शन होगी तभी कार्ब्स कंज्यूम करने का फ़ायदा है। बिकॉज आई मेरा गेनिंग फेस नाउ, कट फेस मेरा ख़त्म हो चुका है। ऑफ कोर्स मैंने कंपटीशन फिनिश कर दिया अपना एंड आई हैव अ टाइम टू गेन मोर मसल मास। सो आई एम ईटिंग मोर कार्ब्स, मोर कैलोरीज। तो कार्ब्स कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कार्ब्स खा रहा हूँ और वो कंज्यूम नहीं हो रही, बॉडी उसको इनटेक नहीं कर रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई एम यूजिंग लॉट ऑफ सिनेमन। अब इसमें जाएगा आलमंड बटर, 15 grams ऑफ आलमंड बटर, लिटिल बिट ऑफ पिंक सॉल्ट, ये डालूंगा इसके अंदर मैं पिंक सॉल्ट। तो ये जा रहा है आलमंड बटर, इसको भी स्टर करेंगे अच्छी तरह से। आई एम श्योर गाइस यू गोना लव दिस प्री वर्कआउट मील, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस वन। आपको ओट से ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये। एंड इसके मैक्रोस में एंड में लिख के बता रहा हूँ आपको स्क्रीन के नीचे, आप देख लेना टोटल मैक्रोज ऑफ दिस मील। इसको भी हमें स्टर करते रहना है। एंड और
और एक चीज़ मेरे को बतानी थी आपको कि मैं इसमें सॉल्ट इसलिए ज़्यादा डाल रहा हूँ क्योंकि सॉल्ट हमेशा मेरी हेल्प करता है बैटर पंप में प्री वर्कआउट मील में. सो आई ऑलवेज़ ऐड सॉल्ट ऑन माई मील्स, चाहे वो एग्स हो, चाहे वो ओट्स हो, चाहे वो अब क्रीम ऑफ राइस हो, तो मैंने सॉल्ट डाला है. तो ये है हमारा फिनिश प्रोडक्ट और इसमें डाल रहा हूँ हाफ स्कूप ऑफ फ्लेवर्ड वे प्रोटीन, एग्स एंड क्रीम ऑफ राइस. सो इसको जेंटली मिक्स करेंगे एंड देन आई एम गोना एंजॉय माय क्रीम ऑफ राइस. आई एम श्योर गाइस यू गोना लव इट. इसके मैक्रोस यहाँ पे आ गए हैं टोटल, एग्स 200 ml एग वाइट्स, वन होल एग एंड 100 grams अनकुक्ड चावलों से जो बनी है क्रीम ऑफ राइस, जिसमें कार्ब्स हैं 82 टोटल, फैट्स है 13. तो ये इसके मैक्रोज हैं, प्रोटीन इज अराउंड 50. सो गाइस आई एम गोना एंजॉय माय मील. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जल्दी आऊँगा नई वीडियो के साथ और ये है मेरा मील रेडी एंड आई एम गोना एंजॉय इट. So this is it. I'll see you soon guys. Take care of your mom. Much love. Like or dislike up to you. And take care. Much love.